मतलब ये बेसिकली कबूतर है लेकिन जो कबूतर हरे रंग के है हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे कबूतर है ना उससे, है कबूतर ही, बहुत कम दिखते हैं ये बहुत कम दिखते हैं ना। वाले। नहीं लेकिन ये छोटे नहीं है थोड़े से, हाँ इनकी यही ये छोटे आवाज, हैं, बड़ा बना और होता है तो ये वो अलग है, पर छोटे आवल है ना। ये छोटे वाले अभी अभी सांबर वो लगे तो सांबर डियर का कॉल आ रहा है। बैठना और हम लोग इस तरफ पानी की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पानी की तरफ टाइगर हो सकता है, सांबर डियर की कॉल है कुछ टाइगर वगैरह बटो कुछ भी हो, सांबर की कॉल है ना। हाँ कंफर्म कॉल है, कंफर्म कॉल है, पानी बार बार कॉल आ रहा है, कॉल तो यहाँ से आ रही है ना। हाँ पानी का जीप के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं, वहाँ चढ़ गया पानी पे, ऊपर से देखे इधर से कॉल आ रही है। टाइगर क्या ये पेड़ है ना, मतलब जो उसने बना रखे हैं मतलब उसके एरिया के हिसाब से। अच्छा टेरिटरी मार्किंग, यूरिन स्प्रे, यूरिन स्प्रे तो छोड़ता है, तो उसको क्या दूसरा, अगर मान लो कोई दूसरा टाइगर आ गया उसमें तो उसको सूंघ के चल जाएगा, मतलब और उससे पता लगा लेगा वो, उसको मालूम चल जाएगा कि ये पावरफुल वाला है टाइगर, वो पावरफुल वाला है। अच्छा वो उस हिसाब से क्रॉस करेगा अंदर प्रवेश के अंदर, दो पता लगा लगा वो दो चीजें करता है ना टाइगर, एक तो यूरिन स्प्रे करता है और दूसरा वो नाखूनों से पेड़ों पे स्प्रे करता है। हाँ बरसात में क्या वो होगा ना, मतलब यूरिन तो टिकेगा नहीं, इसीलिए वो पैरों से मारता है हाथ से। ये कीचड़ में उड़ा नहीं, हाँ मड बात करके आया, ये मेकअप करके आया सर। अब इसके सींग पुराने सारे, हाँ नए सींग आ रहे हैं ना, वो बैल बैठ की तरह रहते हैं, इनके सींग हर साल गिरते हैं, हर साल नए आते हैं। कौन सा पिजन? ग्रीन 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 पिजन, तो पहली बार देख रहे हैं यार। मतलब ये बेसिकली कबूतर है लेकिन जो हरे रंग के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे कबूतर है ना वो, उससे ये रेयर है यार, बैर खा रहे, बैर खा रहे हैं, है कबूतर ही, बहुत कम दिखते हैं ये, बहुत कम दिखते हैं ना ये वाले। आउल उड़ेगा नहीं, नहीं अगर आउल होगा तो नहीं उड़ेगा, वो तो वहीं रहेगा। नहीं लेकिन ये छोटे नहीं है थोड़े से, हाँ इनकी यही ये छोटे हैं, बड़ा बना आउल होता है तो ये वो अलग है, छोटे आउल है ना। हाँ। ये देसी वाले आउल है जो गांव में रहते हैं, इनको गांव में मटकोचर ही बोलते हैं, मटकोचर ये। अच्छा ये जोड़े में है ना, जोड़े आउल क्या जोड़े में ही रहता है, जोड़ा भी रहता है सिंगल भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, ऑल भी तो कभी तो एक ही दिखता है। मैंने ऐसे बड़े ऑल भी देखे हुए हैं लेकिन हाँ ये भी हाँ। अच्छे लग रहे हैं, और बिल्कुल सामने हाईवे है ना ये। हाँ, हाँ, ये हाईवे कहाँ जा रहा है, शिवपुरी जा रहा है, शिवपुरी मध्य प्रदेश, 25 किलोमीटर बाद एमपी चालू हो जाती है, 25 किलोमीटर एमपी शुरू हो गया हमें, वहाँ घड़ियाल वगैरह बोटिंग भी होती है। अच्छा अरे आउल
ये हाईवे हो गया जी। इधर से भी गेट से कोई आ सकता है क्या, सामने वाले गेट से? सांबर डियर की कॉल है। तो है कुछ टाइगर हो या रेबटो कुछ भी हो। सांबर की कॉल है ना? हाँ कंफर्म कॉल है। कंफर्म कॉल है? है तो सांबर है। है तो सांबर है। बार बार कॉल आ रहा है। कॉल तो यहाँ से आ रही है ना? रुकते हैं थोड़ी देर। इधर से कॉल, इधर से कॉल। जीप के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं। वहाँ चढ़ो पानी पे ऊपर से देखे। इधर से कॉल आ रही है। यहीं पे कहीं है टाइगर। सांबर डियर की कॉल आ रही है बार बार। भैया आप तो कम से कम भैया सीट पे बैठो, ये टाइगर आ गया अचानक तो। शायद आपने भी सुना होगा कॉल। ये है तो नहीं झाड़ी के पीछे। हाँ डियर कौन सा डियर है? स्पॉटेड डियर है। हाँ वो दिख रहा है स्पॉटेड डियर। कॉल पीछे से ही था लेकिन अंदर नाला है। नाले के पास क्या रोड नहीं है? उधर रोड नहीं है, उधर रास्ता नहीं है। यहाँ पर रुके क्या थोड़ी देर? हाँ थोड़ी देर गए। ये खुला जगह भी है। सांबर की कॉल जो मैं आई थी बस पीछे से आई थी, इस तरफ से कॉल अभी बंद हो गई। फिलहाल कॉल रुक गया। अच्छा देखो ये डियर है अलर्ट बोर्ड पे। शायद अकेला ही डियर है क्या? और भी है लगे? ये जगह ही है, एक ही है ना। अकेला एक ही बिछड़ गया है। 13 मिनट ये करने में 13 मिनट चलो गेट तक में जाओ कहीं आगे बढ़ सके। गेट तो यहीं पे है। हाँ और उम्मीद की जा सकती है कि टाइगर जो है वो कॉल पे पानी पीने आ गया, लेकिन कॉल बंद हो गई है। पिछले 5 मिनट 8 मिनट से यहाँ पे हैं।
प्रॉब्लम ये है कि मोमेंट अगर हो तो कॉल जरूर आएगा, कॉल नहीं आ रहा है। चलो जी सब चले। हाँ पीका बालू दिख रहा है यार, यहाँ कौन जाएगा क्या दिख रहा है, कौन जाएगी बात है, किधर गया हेलो। वो ऐसा कि सफारी करके हम निकल रहे थे, मैंने अपना क्लोजिंग शॉट दिया वहाँ पे, कुछ बताया और अच्छी ऑडियो के चक्कर में मैंने कॉलर माइक लगाया था और वो पता नहीं क्या हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ ठीक से या जो भी हुआ, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो ये मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे भी कहीं एक जगह पे बैठ के हम लोग ये बॉनफायर कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं क्लोजिंग शॉट दे दूँ। तो आपको मैं बता दूं कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने जवाई में फॉलो किया हो, जिन्होंने सरिस्का वाले एपिसोड्स में फॉलो किया हो, मुझे जानते होंगे कि जब भी मैं जंगल टूर करता हूँ तो जंगल सफारी करने के बाद रात में उस जंगल के आसपास जितना हो सके मैं चक्कर काटने की कोशिश करता हूँ, तो वो चक्कर मैं आज भी काटूँगा। तो वो चक्कर काटने वाला एपिसोड बाद में शुरू होगा और आज के इस एपिसोड को मैं करता हूँ यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आज का ये सफारी वाला एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लास्ट में हमें कॉल्स भी आए, हमें बहुत कंफर्म कॉल्स आ रहे थे, लेकिन हमारे सफारी का टाइम ख़त्म हो गया था और हमें जंगल छोड़ के किसी भी हालत में निकलना था वहाँ से, तो हम निकल गए। और आपने देखा होगा कि गेट भी बंद हुआ, लास्ट जीप हमारी थी। तो अभी मैं वापस से निकलने वाला हूँ, देखते हैं आप वो आप अगले एपिसोड में देखेंगे ही। तो अब तक अगर आपने रोड रनर टाइगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब रोड रनर टाइगर, और अगर ये वीडियो रणथंभौर सफारी का अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।